क्वेश्चन सेकंड है, इन फिगर 6.29, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। ओके, जो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में हम वो लिख देंगे। हमें क्या गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सेकंड क्या है सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ओके, वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, ओके। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। अब सॉल्यूशन करते हैं, हमें यहाँ पर गिवन है कि वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, लेट वाई इक्वल टू 3a एंड जेड इक्वल टू 7a, ओके। अब हमें वाई एंड जेड की वैल्यू मिल गई, ओके। हमें पता है कि हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी इज पैरल टू सी डी, ए बी इज पैरल टू सी डी, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। और हमें क्या गिवन है कि सी डी इज पैरल टू ई एफ, सी डी इज पैरल टू ई एफ, ये भी हमें गिवन है। अब आप यहाँ पे कंपेयर करो कि देखो ए बी इज पैरल टू सी डी एंड सी डी इज पैरल टू ई एफ, देयर फोर ए बी इज पैरल टू ई एफ होगा, ओके। तो देयर फोर ए बी इज पैरल टू ई एफ, किन की वजह से, इनकी वजह से। अब ध्यान से देखो, फिर से देखो, मैं फिर से बता रही हूँ, ए बी सी डी के पैरल है और यही सी डी किसके पैरल है, ई एफ के पैरल, ये वाली सी डी। तो इट मीन्स ए बी और ई एफ भी एक दूसरे के पैरल हो गए, ओके। अब आप एक तरह से सी डी लाइन भूल जाइए, ये ए बी है और ये क्या है ई एफ, ये दो पैरल लाइन्स हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, यहाँ पे ये एक्स है ये वाला और यहाँ पे ये जेड है, ओके। अब यहाँ देखो एक्स एंड जेड ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, जब ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ओके। हम यहाँ लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू जेड वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। और जेड, जेड कितना है हमारे पास, 7a, ओके। जब एक्स जेड के इक्वल है और जेड की वैल्यू कितनी है, 7a है, तो एक्स भी कितना होगा, 7a होगा, ओके। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 7a, हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, ओके। अब हम आगे करते हैं, अब हमें x की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई, ओके। अब देखो जब हमें x की वैल्यू आ गई है, अब आप AB और CD को देखिए, ये AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो देयरफॉर x एंड x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल्स जो हैं ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होता है, ओके। अब हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली 7a, प्लस वाई की वैल्यू क्या है 3a, ओके, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐड करो 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री, a इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, ओके। अभी हमने x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। y की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में हमने क्या माना था 3a इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आई 18 डिग्री, 18 3 54 डिग्री। z की वैल्यू, z कितना गिवन है, हमने कितना माना था 7a, z हमने कितना माना था 7a, 7 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 18, ओके। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 126 डिग्री आएगा, ओके। और x भी, x कितना है आया था, हमने कितना माना था यहाँ पे, x कितनी वैल्यू आई थी x की 7a, ओके, 7a आई थी, तो 7 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री। हमने y, z और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली,